कोरियन एक्टर्स का लाइफ बाहर से तो लग्जरियस दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में उनको बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना पड़ता है, और अगर उन्होंने रूल नंबर 5 को नहीं माना तो कोरिया की इकोनॉमी भी डाउन हो सकती है। रूल नंबर 1, स्ट्रिक्ट वेट। कोरियन एक्टर्स को सुबह उठते ही अपना वेट मेजर करना होता है, और अगर 2 से 3 ग्राम का वेट गेन होता है तो उनके डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। एक्टर पार्क मिन हो का वेट ड्रामा से पहले 60 kg का था, लेकिन ड्रामा के रोल के लिए उन्होंने अपना वेट 37 kg तक कर दिया था। सोंग क्यू ने एक इंटरव्यू में बताया कि ग्लोरी के शूट के दिन वो बस 3 केले खाती थी और शूट से पहले वो पानी तक नहीं पीती थी। रूल नंबर 2, गुड बिहेवियर। बहुत सारी कंपनीज एक्टर के बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। अच्छे बिहेवियर से कंपनी की रेपुटेशन बढ़ सकता है, और एक गंदे बिहेवियर से कंपनी रातों रात डूब सकती है। यूट्यूबर ग्रेजी ग्रेस ने बताया कि उनकी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट रूल था कि एक्टर्स को 90 डिग्री में छुप के ही हेलो बोलना होता है, और उनको एक बार डांट भी सुनना पड़ा था क्योंकि सर्दी के टाइम वो अपना हाथ कोट के पॉकेट में रख के हेलो की थी, और कंपनी के हिसाब से उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था। रूल नंबर 3, स्ट्रिक्ट डेटिंग रूल्स। बहुत सारे कंपनीज ये मानते हैं कि एक्टर्स के लिए डेटिंग एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि अगर एक्टर्स डेटिंग में सीरियस हो गए तो उनका ध्यान काम पे नहीं रहेगा। हमने वैसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ डेटिंग करने की वजह से एक्टर्स का करियर खत्म हो गया है। सीयूजी और किम जोहन के डेटिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, और उनके डेटिंग से रिलेटेड कुछ सीक्रेट बाहर आने के बाद दोनों के पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसीलिए कुछ एक्टर्स अपनी मर्जी से डेट नहीं करते, जैसे कि किम सो हून। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो ज़्यादातर रोमांस ड्रामा में काम करती है, और ड्रामा के शूट खत्म होने के बाद उनको रियल ब्रेकअप जैसा फील होता है, और वो इसीलिए रियल लाइफ में डेट नहीं करना चाहती। रूल नंबर 4, डोंट एवर यूज इलीगल सब्सटेंस। कंपनी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं कि अगर एक्टर्स इलीगल सब्सटेंस यूज करते हुए पकड़े गए तो उनकी डील खत्म हो जाती है। बहुत सारे एक्टर्स अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से उनका करियर भी खत्म हुआ है। एक्टर यूआइन के ऊपर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इलीगल सब्सटेंस के यूज के लिए, और उसकी वजह से उनको ड्रामा हेलबाउंड से भी हटा दिया गया है। रूल नंबर 5, नो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज। कोरिया में पॉलिटिक्स एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, और एक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहें। अगर फिर भी वो पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको फेस करना पड़ता है। 2018 में बेसुजी ने एक कंटेंट क्रिएटर यांग ही उनको सपोर्ट किया था, जो कि 2015 में एक मॉडल थी, और उसी टाइम उनके साथ हैरेसमेंट हुआ था। वो एक अच्छा काम कर रही थी, फिर भी उनको बहुत सारे लोगों से हेट मिला। एक्टर्स को वोटिंग के टाइम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो सिर्फ ब्लैक कपड़े पहने, क्योंकि अगर गलती से भी उनका ड्रेस कोड किसी पार्टी के कलर से मैच हो जाता है तो फिर वो वोटिंग पे इम्पैक्ट डाल सकता है। रूल नंबर 6, सेलफोन चेक। कंपनी सेक्टर से फोन कभी भी चेक कर सकती है, इसलिए उनको केयरफुल रहना पड़ता है कि वो अपने फोन में क्या स्टोर करें और क्या डिलीट। अगर आप किसी दूसरे जेंडर से बात करते हुए पकड़े गए तो आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। एक्टर्स अपना हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकते बिना मैनेजमेंट के परमिशन के, और आउटिंग जाने से पहले उनको मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। हर एक इंडस्ट्री का एक बैड साइड होता है और एक गुड साइड। कोरियन इंडस्ट्री में बहुत सारे वैसे कंपनीज हैं जो अपने एक्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है।